काले कोट वालों के काले करतूत, पढ़े लिखे जाहिलों ने अस्पताल भी ना छोड़ा। वकीलों ने लाहौर में पीआईसी पर धावा बोल दिया। वकीलों ने ऑपरेशन थिएटर में घुसकर तोड़फोड़ की। तिब्बी इमदाद ना मिलने पर 6 मरीज जांबहक हो गए। वकीलों ने मॉल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड को भी ब्लॉक कर दिया। कोर्ट तो काले थे ही, करतूत भी काले ही रहे। पढ़े लिखों ने जहालत की इंतहा कर दी। लाहौर में वकला और डॉक्टर्स के दरमियान तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल वकला की बड़ी तादाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई और तोड़ फोड़ की। ताहम इस दौरान अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हुए। वकला ने पीआईसी में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। अस्पताल के बाहर खड़े पुलिस अहलकारों ने भी वकला को तोड़ फोड़ से न रोका। अस्पताल में वकला की तोड़फोड़ के बाद पीआईसी मुलाजमीन और वकला में तसादुम भी देखने में आया और वकला ने पुलिस गाड़ी को आग लगा दी। ताहम सूरत हाल मजीद खराब होने पर सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद पुलिस की भारी नफरी के साथ अस्पताल पहुंच गए, जहां पुलिस की जानिब से मुश्तइल वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। वकला ने बाद अजां एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए माल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दिया। लाहौर में वकीलों के एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। अस्पताल जराये के मुताबिक वकला के हमले के बायस तिब्बी इमदाद न मिलने पर अस्पताल में जेर इलाज 6 मरीज दम तोड़ गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। जांबहक होने वालों में से एक मोमर खातून की शनाख्त गुलशन बीबी के नाम से हुई है, जो अस्पताल में इलाज कराने की गर्ज से आई थी। 6 दिन हो गए थे अंदर आ गई, इन्होंने सारी ऑक्सीजन तार दी, सब कुछ तार दिया। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर आ गया, अंदर आए अब नारा था, सारा कुछ इन्होंने तार दी। हमारी 6 भाइयों की एक ही बहन थी। मेरी समझाने की वजह से मेरी वालदा फोत हो गई। वो हफ्ते वाले दिन से एडमिट थी, उसके बाद जब ये हंगामा हुआ है उनकी तबीयत खराब हुई है। एमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई अमला नहीं था। चंद रोज कबल एक वकील ने दावा किया कि इसके रिश्तेदार को अस्पताल में सही तवज्जो नहीं दी गई, जबकि वकला ने डॉक्टर्स पर अपना मजाक उड़ाने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने का दावा भी किया। बाद हजार ये मामला बढ़ते बढ़ते संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया और नौबत अस्पताल पर वकला के हमले और मरीजों के जाँ बहक होने तक पहुँच गई। वकला से अपील करूंगा कि जो इसमें मुलव्वस पाया जाता है, इस वाकये में और नजर आता है, ईंट फेंकता हुआ या शीशा तोड़ता हुआ या गाड़ी को लाठी लगाता हुआ, उसको तो वोट नहीं देना चाहिए। उसको सिर्फ आप ये कह दें कि आपने वोट नहीं देना तो उसकी ये भी बड़ी सजा है।